माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए लेना चाहता हूं जो लोग अपने आप में ये विश्वास करते हुए बैठता है कि मेरे अंदर शैतान है। कई लोग मुझे याद है, रेटिटो वगैरह में जाते हैं, कई लोग आते हैं काउंसलिंग करने के लिए, बात करने के लिए, मेरे अंदर शैतान है, मेरे घर में शैतान है, शैतान शैतान शैतान। और कई लोग फोन से प्रार्थना मांगते हैं, बहुत शैतान है मेरे अंदर, इससे मुझे मुक्ति चाहिए। मैं पूछता हूं, क्या आप प्रार्थना नहीं करते हैं? क्या आप बपतिस्मा लिया है कि नहीं लिया? क्या आप मिस्सा बलिदान में जाते हैं? क्या आप पाप स्वीकार करते हैं? क्या अन्य संस्कारों को ग्रहण करते हैं? क्या आप इन संस्कारों को ग्रहण करते वक्त क्या शैतान को ग्रहण किया था? सबसे पहले बपतिस्मा को लीजिए। एक व्यक्ति को बपतिस्मा देने के पूर्व में हमारे कैथोलिक के कलीसिया के परंपरा के अनुसार, नियम के अनुसार, सबसे पहले उस बपतिस्मा के आरती के ऊपर एक मिनी एक्सोरसिज्म करते हैं। अगर उनके जीवन में, उनके परिवार से या माता पिता से किसी भी प्रकार का शैतानी हरकत है, शैतानी प्रेरणा है, कुछ भी है, उसको एक्सोरसिज्म के द्वारा निकाल दिया जाता है। सबसे पहले एक्सोरसिज्म। हमें मालूम है हम प्रेरितों के धर्मसार बपतिस्मा संस्कार में बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। हम अपने मुंह से स्वीकार करते हैं, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर में विश्वास करता हूं, और शैतान और उसके सब प्रकार के प्रेरणा प्रवंचकों में तिरस्कार करता हूं बोल करके, तो हम स्वयं शैतान का तिरस्कार करते हैं और प्रभु को हमारे मुक्तिदाता के रूप में, सृष्टिकर्ता के रूप में हम स्वीकार भी करते हैं। इस प्रकार भी हम शैतान को अपने जीवन से, अपने परिवार से तिरस्कार कर रहा है। बपतिस्मा में इसके बाद हमें पवित्र आत्मा मिलता है। कैथोलिक चर्च के अंदर जो बपतिस्मा है वो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा, जल डालना हो या अन्य कोई भी कार्य कर रहा है, केवल एक बाहरी चिन्ह है। कौन सी बाहरी चिन्ह? आंतरिक रूप से आप जो पवित्र आत्मा को ग्रहण कर रहा है उसका एक बाहरी चिन्ह मात्र है। ये पानी डाल रहा है, तेल लगा रहा है, जो कुछ कार्य है वो सब एक बाहरी चिन्ह है। आंतरिक रूप से आप पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा बपतिस्मा के द्वारा आया, इसके बाद दृढ़ीकरण संस्कार, वो पवित्र आत्मा जो बपतिस्मा में मिला है उसकी कृपाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसके बाद आपने परम प्रसाद को ग्रहण किया, परम प्रसाद में भी वो कृपा अनुग्रह को आगे बढ़ रहा है, और साक्षात प्रभु ईसा मसीह हमारे अंदर उस बपतिस्मा में, सॉरी यूक्रिस्तीय संस्कार में हमारे अंदर आता है। अन्य संस्कारों में प्रभु से वो कृपा मिल रहा है, कृपा का स्रोत ईसा मसीह स्वयं यूक्रिस्तीय संस्कार में हम ग्रहण कर रहा है। वहां पर ईसा मसीह और मैं एक बन जाता है। प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं कहा है, यदि हम लोग
योहन का सुसमाचार उसकी अध्याय 6 वाक्य 56 और 57 को मैं पढ़ देता हूं। वहां पर क्या लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूं। कब? ईसा मसीह को रोटी और दाखरस के रूप में पवित्र युक्रस्तीय बलिदान में हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम प्रभु में और प्रभु हमारे अंदर निवास करता है। सैतान आता है। यदि हम योहन के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 27 को पढ़ेंगे, ईसा मसीह के हाथों से उस रोटी ने यूदस ने ग्रहण किया। वाक्य 27 में लिखा है, उस समय पर वहां पर यूदस में सैतान घुस गया। क्या कारण है? अध्याय 13 वाक्य 2 के अंदर लिखा है, उस समय पर व्यारी के पहले ही ईसा मसीह को पकड़वाने का विचार सैतान ने उसके मन में डाला। अर्थात वो मिस्सा बलिदान में, उस मेल मिलाप संस्कार में सब ईसा मसीह को पकड़वाने का और 29 चांदी के सिक्कों के इच्छाओं के साथ वो बैठा हुआ था। अर्थात पाप के साथ उस परम प्रसाद को ग्रहण किया, सैतान घुस गया। यह हमारा गलती है। यदि किसी व्यक्ति बोल रहा है मेरे अंदर सैतान आ गया, वहां आना चाहिए था ईसा मसीह। ईसा मसीह के जगह पर यदि सैतान आया, इसका मतलब आप आत्मारू पाप के अवस्था में है। हो सकता है विचार के पाप में, हो सकता है मूर्ति पूजा के पाप में, हो सकता है अंधविश्वास के कर्मों में पड़ा, हो सकता है किसी के साथ घृणा रखा हुआ है, इस प्रकार पापमय अवस्था में जब आप प्रभु को ग्रहण करेगा, वहां पर सैतान आप में आ सकता है और वो भी हम लोग सीखने की जरूरत है। तो ईसा मसीह ने सिखाया है, जो इन संस्कारों को ग्रहण करता है, चाहे बपतिस्मा संस्कार हो, चाहे पाप स्वीकार संस्कार हो, चाहे दृढ़ीकरण संस्कार हो, चाहे युक्रस्तीय संस्कार हो, चाहे मेल मिलाप का संस्कार हो, चाहे रोगी विलेपन संस्कार हो, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे पुरोहिताय संस्कार हो, इस समय पर हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है, प्रभु ईसा मसीह को ग्रहण करता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर उस समय पर हमारे अंदर आता है। लेकिन फिर भी कहते हैं, ब्रदर जी मेरे अंदर सैतान है। क्यों बोलते हैं सैतान? क्योंकि ईसा मसीह से बढ़ करके, इस बाइबल के वचन से बढ़ करके किस में आप विश्वास करते हैं? सैतान में जरूर विश्वास करते हैं, सैतान के प्रेरणा में चलते हैं। एकदम सैतान हमारे अंदर नहीं घुसता है, उसका 4 स्टेजेस हैं, 4 डिग्रीज हम बोल सकते हैं। सबसे पहले वो जो स्टेप है उसको इन्फेस्टेशन कहते हैं। इन्फेस्टेशन का माने संक्रमण, या हम लोग बोल सकते हैं अपने जीवन में किसी न किसी काम के लिए रुकावट डालना, बाधाएं, प्रार्थना अच्छी तरह नहीं कर पा रहा है, ईमानदारी के जीवन नहीं जी पा रहा है, प्यार का जिंदगी नहीं जी पा रहा है, या हमारे कुछ वस्तुएं, कुछ काम में रुकावट हैं, फेलियर्स जीवन में होना, इस प्रकार का जो कार्य है शैतान के द्वारा जो करता है, वो बाहरी हमारे शरीर में अटैक नहीं करता है, केवल वो बाहरी कामों में, विशेषकर हमारे जो सामान है, सामग्री है, कार्य है, इनमें बाधा रुकावट ये सब डाल सकता है, उसको इन्फेस्टेशन कहते हैं, फर्स्ट स्टेप है। दूसरी बात है, दूसरी स्टेप है ऑपरेशन कहते हैं, उत्पीड़न करना। यहां पर शारीरिक रूप से पीड़ाएं देने का एक तरीका है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे हम लोगों नींद नहीं आना, या डिप्रेशन में जाना, एंग्जायटी में जाना, या फिनेंशियल प्रॉब्लम्स जीवन में होना, परिवार में रिलेशंस जो बिगड़ना, ये सब शैतानी उत्पीड़न कहते हैं, उसको ऑपरेशन कहते हैं। तीसरा लेवल को ऑब्सेशन कहते हैं। इस ऑब्सेशन में और थोड़ा
ज्यादा है, मानसिक पीड़ा और बहुत ज्यादा हो गया, बहुत निराश जीवन जीते हैं और हमेशा चिंतित रहते हैं और कुछ ऐसे ऐसे हरकतें करना जैसे शैतान हरकतें कर रहा है, उसी प्रकार का कुछ ना कुछ करना और सुइसाइड करने का विचार आना, ये सब शैतान के थोड़ा बहुत नियंत्रण में आ गया और उसके जुनून में, उसके मानसिक अवस्था में प्रवेश किया, इसको दिखाता है। अभी 14 स्टेप है जो शैतान ने पोसेस किया, पोसेशन जो बोलते हैं, वो उस व्यक्ति के ऊपर कब्जा किया, ये हम बोल सकते हैं, अर्थात हमारे जीवन का कंट्रोल ड्राइवर शैतान बन गया, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। ये पिछले जो 3 स्टेजेस के द्वारा अपने जीवन में आए हुए आत्मिक मानसिक जो रुकावटें हैं, जो कुछ नष्ट कष्ट हुआ, ये सब कुछ इस व्यक्ति को निराश अवस्था में ऐसा हो जाता है, इसके बाद वो अपने आप कुछ नहीं करते। इसके बाद जो शैतान उसके मन को कंट्रोल कर करके शैतान की इच्छा के अनुसार वो कार्य करना शुरू करेगा। ऐसी अवस्था में ये भी देखने के लिए मिलता है, जो भाषा वो कभी बोला नहीं है, ऐसी ऐसी भाषाएं बोलना शुरू कर देता है। उसने जिंदगी में जो चीजें देखा नहीं, ऐसे ऐसे जगह के विषय में, ऐसे ऐसे व्यक्ति के विषय में वो बातें करना शुरू कर देते हैं। हम लोग सोचेंगे पागल हो गया है। हाँ, ये भी हम लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, ये शैतानी पोसेशन है या सचमुच में मानसिक बीमारी है। तो इसलिए एक्सोर्सिस्ट के पास हमारे अधिकतर धर्म प्रांत में इस प्रकार का अधिकार प्राप्त पुरोहित होगा, या बिशप के पास ये अधिकार है एक्सोर्सिज्म का, किसी पुरोहित से जो इसे डरते नहीं है, प्रार्थना भक्ति का जीवन जी रहे ऐसे लोगों से ये करवाता भी है एक्सोर्सिज्म, शैतान को निकालने का। अभी हम लोग क्यों इस प्रकार के 4 स्टेज से गुजरा, इसको समझने की जरूरत है। चाहे कितना भी प्रार्थना का, भक्ति का अच्छा जीवन क्यों ना जिए, सबों के पास शैतान आ सकता है, लेकिन शैतान को हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, इस सत्य को समझने की जरूरत है। जब तक हम शैतान को अपना बाबा मानकर के स्वीकार नहीं कर रहा है, शैतान जबरदस्ती किसी के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बोला 4 स्टेप बहुत लंबे समय लेकर के वो धीरे 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 आकर के हमें अपने कब्जे में करता है। उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? देखो, शैतान तो ईसा मसीह के पास भी गया था। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 4 वाक्य 1 से पढ़कर देखिए, आत्मा ने बपतिस्मा के समय पर ईसा मसीह में पवित्र आत्मा उतराया कपोत के रूप में, वो आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश में लेकर के गया। वहां पर ईसा मसीह 40 दिन का उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा का शक्ति व सामर्थ्य से भरने के लिए उपवास प्रार्थना, और साथ ही साथ वहां पर शैतान आते हैं, उनकी परीक्षा करते हैं। शैतान वहां पर हमें मालूम है 3 प्रकार की परीक्षाएं की, शारीरिक की जरूरतों की परीक्षा, मानसिक जरूरतों की परीक्षा और आत्मिक की परीक्षा। इसका मतलब शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक परीक्षाएं हर मनुष्य के जीवन में आएगा, लेकिन यदि हम उस परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते हैं, इसका मतलब है हम शैतान पर विजय प्राप्त किया। गुस्सा करने का अवसर किसके सामने नहीं आएगा? विचार करने का, वासना का पाप, गंदी पिक्चर देखने का, गंदी बातें बोलने का, चोरी करने का, गलत धन कमाने का, चर्च में ना जा करके सोने का, प्रार्थना ना करने का, सबों को इच्छा लगता है। इसका मतलब केवल टेम्पटेशन शैतान आपको दे सकता है, आपके सामने टेम्पटेशन ला करके रखेगा। जैसे हम बोल सकते हैं आदम और एवा के सामने एक फल ला कर रख रखा, देखो देखने में इतना सुंदर है, इसको खाने में कितना अच्छा लगेगा। इसी प्रकार का टेम्पटेशन हमारे सामने आएगा, यदि हम उस टेम्पटेशन में, परीक्षाओं में घिर जाएगा,
धीरे धीरे इसका मतलब हम शैतान को अवसर देते जा रहा है। एफेसियों का पत्र दिया ये 4:27 में, इसलिए संत पौलुस ने एफेसियों को लिखते हुए कहा आप शैतान को अवसर नहीं दोगे। शैतान को कभी अवसर हमें नहीं देना चाहिए। शैतान अनेकों अवसर परीक्षाएं लेकर के आएगा। इसलिए कुरिंथियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, कुरिंथियों का पहला पत्र अध्याय 9:27 में, कहीं ऐसा ना हो वचन सुनाते सुनाते मैं ही परीक्षा में पड़ जाए, मैं ही परीक्षा में गिर जाए, मैं ही पाप में गिर जाए। इसलिए मैं क्या करूंगा, अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखूंगा। संत पौलुस कहते हैं यदि हम अपने शरीर के अंगों को अर्थात इंद्रियों को अपने वश में रखना सीखेंगे, आंखों को जहां हमें देखना नहीं है हम नहीं देखेंगे, सुनने का बहुत गंदी बातें दूसरों की बुराई करने वाले लोग होगा हम कान नहीं देंगे, ये निर्णय करेंगे अपने जीव से, गुस्सा करने का या गाली देने का या दो मतलब की बातें बोलने का या झूठ बोलने का, दूसरों की निंदा करने का अवसर हमारे जीवन में आएगा, लेकिन हमें निर्णय करना है हम ऐसा नहीं करेंगे करके। हमारे शरीर के त्वचा, हमारे शरीर के अंग अंग को जीवन के अंत तक इसे पवित्र रखेंगे, इसको पाप में नहीं गिराएंगे, ये निर्णय करना। इसका मतलब अवसर हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन उस अवसरों से दूर भागना, ये शैतान की परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करना। ईसा मसीह के सामने इन तीनों प्रकार की परीक्षाएं हो गया, तीनों प्रकार से देखा। 40 दिन का उपवास के बाद ईसा मसीह को भूख लगने लगी, तब बोलते हैं यदि तुम ईश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर से रोटी बना दो। क्या ईसा मसीह नहीं बना सकता था? ईसा मसीह बना सकता था, लेकिन वो शैतान की बात होने के कारण ईसा मसीह ने शैतान को नहीं सुना, बल्कि ईश्वर का वचन बोल करके उसे पराजित किया। अर्थात हमें दैनिक की जीवन में रोज बाइबल पढ़ने की जरूरत है। बाइबल के वचन जो आप सुन रहा है अपने जीवन में आपको उतारना है उसके अनुसार। केवल सुन करके यह मार्क मत डालो, लाइक बटन दबाने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, या आप बहुत अच्छा है बोलने से नहीं। यदि आप अपने जीवन में इन बातों को उतार रहा है उसमें मैं भी खुश हो जाऊंगा। मुझे इस प्रकार का बहुत खुशी है, अनेकों क्लास देखने के बाद लोग मुझे ऐसे ऐसे बातें बोल करके दे रहे, हमारे जीवन में हमने ऐसा किया वैसा किया, रोज चर्च जा रहा है, रोज मिस्सा जा रहा है, हमारे घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना 1 घंटे का होता है। बहुत खुशी होता है, बहुत खुशी होता है। यदि पारिवारिक प्रार्थना किताब यहां से तो लिया, इवन उसको खोल करके भी नहीं देखा है, प्रार्थना नहीं किया, और जो कैटेगिज्म पाठ है उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन अभी तक खोला नहीं। कई लोग फोन करके कुछ कुछ डाउट पूछते हैं, मैंने बोला पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, है। वो किताब खोलिए, पेज नंबर फलाना में देखो वो लिखा हुआ है। अर्थात किताब तो खरीद कर रख दिया है, उसको पढ़ा नहीं है। जब आप उसको पढ़ेंगे तभी तो खुशी आएगा। इसको सुनना और अपने जीवन में उतारना, तब शैतान पर आप विजय प्राप्त करेंगे। ईसा मसीह ने लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 10:19 को मैं पढ़ना चाहूंगा, वहां पर प्रभु ने क्या कहा। लूक चैप्टर 10:19, वहां पर प्रभु ईसा मसीह ने कहा मैंने तुम्हें सांबों बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। 12 शिष्य लोग ईसा मसीह के पास, उन्होंने क्या क्या किया बोल करके जो रिपोर्ट दे रहा था, तब 12 शिष्यों ने बोला, वाक्य 17 में लिखा है, प्रभु आपके नाम के कारण आपदूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा मसीह के नाम पर शैतान हमारे अधीन होता है, लेकिन कई लोग बोलता है हमारे अंदर होता है। आपके पैरों तले कुचलने का अधिकार ईसा मसीह ने आपको दिया। जो बपतिस्मा प्राप्त किया
उनमें ईसा मसीह है, ईश्वर निवास करता है, उनको यह अधिकार है शैतान को कुचल दे। आपको यहां वहां मत भागना है। आपके जीवन में जब इस प्रकार का टेम्पटेशन परीक्षाएं आता है उसका सामना करना सीख लो, आप शैतान को कुचल रहा है, ये है उसके अर्थ। तब प्रभु ने क्या कहा, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। इसके बाद कहते हैं, मैंने तुम्हें सांबों बिच्छुओं बैरी के सब शत्रुओं को सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। हम ये सामर्थ्य प्राप्त किया है, शैतान को अंदर है बोलना भी लज्जा की बात है। अच्छा, पाप स्वीकार कीजिए, एक कागज में अपने पापों को लिखिए, एक अच्छे तरह का अच्छा पाप स्वीकार कीजिए और अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना, अपने शरीर की इच्छाओं को अपने वश में रखने का निर्णय कीजिए। विशेषकर बड़े बड़े आत्मामारु पाप, तंत्र मंत्र जादू टोना मूर्ति पूजा, इसमें मत गिरिए और अपने शरीर को पवित्र रखिए। जो लोग अपने शरीर को पवित्र नहीं रखते हैं, शैतान को आप बुला रहा है। आप अपने शरीर को पवित्र रखिए, वासना के पाप से दूर रहिए और सबों के साथ मेल मिलाप का जीवन जिए। यदि आपके अंदर घृणा है, शत्रुता है, आप शैतान को अवसर दे रहा है। इसलिए एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस ने कहा, तुम शैतान को अवसर नहीं दोगे। पेत्रुस अपने पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 और 9 में लिखा है, अब सावधान रहे, अब संयम रखना है आपको, क्योंकि आपका शत्रु शैतान दहाड़ता हुआ सिंह की तरह विचरते रहता है और ढूंढते रहता है किसे फाड़ काए, किसे नष्ट कर दे, कौन सा परिवार को बर्बाद करे, कौन सा व्यक्ति को प्रभु से दूर कर दे, ये शैतान देखता है। ये आपके हाथ में है, आप शैतान का सामना करना है। संधि याकूब कहते हैं अध्याय 4 वाक्य 4 के अंदर, आप शैतान का सामना करो वो भागेगा, शैतान का सामना करेगा वो भागेगा। आपको शैतान का सामना करने की जरूरत है। मैं ऐसा गलत नहीं करूंगा, गलत बात नहीं करूंगा, गंदी फिल्म नहीं देखूंगा, गंदी हरकतें नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, इस प्रकार का निर्णय के द्वारा शैतान का सामना कीजिए, शैतान भागेगा। आज से कोई नहीं बोलना है, ब्रदर जी मेरे अंदर शैतान है, मेरे अंदर शैतान नहीं है, मेरे अंदर यीशु है, इसको बोलिए। आपको अगर ऐसा भी लगता है कोई शैतानी हरकत है, तो परीक्षा में गिरने वाला है, तुरंत आप बोलिए, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, मेरे इस शरीर में ईसा मसीह ईश्वर निवास करता है, पवित्र आत्मा निवास करता है, और जो फिलिप्पी 4:13 के द्वारा जो मुझे बल प्रदान करता है उस प्रभु के द्वारा मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये शैतान पर मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। इस प्रकार बोल करके सारे शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल दीजिए। पाप का अवसर मिलेगा यदि आप पाप नहीं करता, शैतान को कुचला। गुस्सा करने का अवसर आया, गुस्सा नहीं किया, आपने शैतान को का सिर कुचला। दूसरों को बुराई करने का, निंदा करने का, बातचीत नहीं करने का, प्यार नहीं करने का, दूसरों के गलतियों को क्षमा नहीं करने का, ऐसे अनेकों विचार आएगा, लेकिन आपको बोलना है, मैं क्षमा करूंगा, मैं जाकर के मिलूंगा, मैं जय यीशु बोलूंगा, मैं उन्हें प्यार करूंगा, मैं उनकी सेवा करूंगा। इसके द्वारा आप शैतान का सिर को कुचलता है। उपवास, प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, मिस्सा बलिदान में रोज भाग लेना, इसके द्वारा आप शैतान का सिर कुचलता है। यदि आप सप्ताह में एक दिन या बोलो महीना में एक दिन यदि आप पाप शिकार के लिए जाते हैं, पाप शिकार के लिए जब पुरोहित के पास आप घुटना टेकते हैं, आप शैतान का सिर पर मारा है। इस प्रकार शैतान पर विजय प्राप्त कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, निर्णय कीजिए। शैतान को कुचलने का अधिकार प्रभु ने दिया, मैं मेरे जीवन के हर घड़ी हर पल शैतान के सिर को कुचलूंगा। निर्णय कीजिए, सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का, प्रार्थना का, भक्ति का, एक धार्मिक जीवन जीने का।
इसके द्वारा हम शैतान के सिर को कुचल डालेंगे। मेरे सामने पाप करने का अनेकों अवसर आएगा, बारंबार अवसर आएगा। एक निर्णय करना है, मैं पाप नहीं करूंगा। शैतान का सिर को कुचला है, बार बार ये स्वीकार करना, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है और प्रभु मुझ में है और मैं प्रभु में है, और रोज परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण करते हुए यही स्वीकार करता है, अब प्रभु मुझ में और मैं प्रभु में हूं। इस प्रकार हम शैतान का सिर कुचलता है। निर्णय कीजिए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।